में से कुछ नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया, और ऊपर से ये काम। कि उसके बच्चे के साथ माता रानी का आशीर्वाद है, वो माता रानी की छाया में बिल्कुल सुरक्षित है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में मैं भी माता रानी की क्रोध से मारी जाऊं। ये सब मत कीजिए, छोड़ दीजिए अपनी ये जिद। हमारे बीच का सारा मकान मैं इस दुर्गा को मारूंगी और तुम मुझे दोगे पूरा परिवार। दूंगा। लेकिन वो परिवार के लोग हैं कहाँ? जो मेरा भोजन होंगे। और मैं कैसे उन घर के लोगों तक पहुंचूंगी? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं लगता, वो आपका भोजन यहीं प्राप्त होगा, इसी घर में। बाकी का कार्य मुझ पे छोड़ दो रखता। इस घर के, इस परिवार के हर एक सदस्य से मैं आपको मिलाऊंगा रक्ता। इस घर में तुम दुल्हन बन के आओगी और एक एक करके सबको खा जाओगी। ये तो सच में कमाल का सौदा है। क्या हुआ दुर्गा बेटा, क्यों रोक दिया मुझे? और आप खीर को ऐसे क्यों देख रही हैं? सविता भाभी, मैं जानती हूँ कि दुर्गा खीर को ऐसे क्यों देख रही है, क्योंकि खीर अभी तक पकी नहीं है, है ना दुर्गा? लो, मैं जल्दी से इन ड्राई फ्रूट्स को इस खीर में डालकर इस खीर को और भी स्वादिष्ट बनाती हूँ। वाह, इतना सुंदर घर है, वे कितनी कीमती चीजें हैं। माँ बेटी, बहुत बड़े घर में मैं तेरी शादी कराने जा रहा हूं। अगर तुम इस घर की हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और शादी के बाद इस शर्मा अंकल को मत भूल जाना। चलो चलो बेटे चलो। ऐसा तो पूरी जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं।
इसकी आंखों में से तो आंसू आ रहे हैं। छूकर देखता हूं आंसू सच्चे हैं या झूठे। कहीं नहीं जा पाओगे तुम दोनों। शर्मा शादी वाले, तुमने इस लड़की को इस घर में लाकर मेरा काम और आसान कर दिया। तुम दोनों आज के बाद मेरे गुलाम, मेरे कायद में रहोगे। रुक, छोड़ो हमें। और ये रहा तुम्हारा कैद खाना, तुम्हारा घर। कौन लोग हो तुम? अरे क्या चाहते हो हमसे? बचाओ, कोई बचाओ। भाई साहब, मैं अब क्या नहीं हाथ जोड़ता हूं। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उसे निकाल दीजिए, मैं जीना चाहता हूं। वाह, बहुत अच्छी खीर बनी है। सविता, इसी तरह तुम समझदारी से काम लो। तुम इस घर में रहो, मुझे मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मेरे रास्ते में मत आओ। आज जो भी मेरी जिंदगी में होने वाला है उसे एक सच मानकर हमेशा के लिए चुप हो जाओ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? विष्णु मेरे लिए आसान नहीं है। विष्णु, मैंने आपके साथ 10 साल गुजारे हैं, छोटी बात नहीं है। विष्णु, क्या हम दोनों एक बार सब कुछ भुला कर अपनी जिंदगी दोबारा से नहीं शुरू कर सकते? क्या मुझे एक मौका नहीं दे सकते? विष्णु प्लीज, विष्णु प्लीज, विष्णु मुझे एक मौका और दे दीजिए प्लीज। एक और मौका? क्या मिला मुझे सिवाय दुख के? यही वजह है कि मैंने आज दूसरी शादी करने का फैसला किया है। चल जाए यहां से, मेरा अच्छा मूड खराब मत कर। ये खीर खिलाकर मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है? ये ले, नहीं चाहिए मुझे तेरी ये खीर। चली जा यहां से, जा। शादी वाले, कोई नहीं सुनेगा तेरी आवाज। बचा, कोई बचा। हम मरने जाते हैं। गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं शर्मा शादी वाले। चुप। ये दोनों तो हमारे जाल में फंस गए। अब बताओ इनका करना क्या है? बताता हूँ रक्ता माता, बताता हूँ। पहले सोचना होगा। नहीं, इनके बारे में मैं सोचूंगी। ये मेरे शिकार है। ठीक है रक्ता माता, जैसी आपकी मर्जी।
वेरी गुड रुद्र, मुझे खुशी है कि तुम सारे काम ठीक से देख रहे हो। आई एम इम्प्रेस्ड। भैया मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्यों नहीं। भैया आपने जो ये फैसला किया है दूसरी शादी करने का, सही नहीं है भैया। सही क्यों नहीं है? अरे मुझे बच्चा चाहिए, अगर उसके लिए मैं दूसरी शादी करता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है भैया, जरा सविता भाभी के बारे में सोचिए, क्या बीतेगी उन पर, वो जीते जी मर जाएगी भैया। अच्छा ये लेक्चर कौन दे रहा है मुझे, जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शादियां की है, और अब शराफत का नकली चेहरा बनाकर मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे जरा अपने अंदर झांक कर देख कितनी बुराई भरी है तुम में। मैं जानता हूं भैया कि मैं एक बहुत बुरा इंसान था, बहुत गलतियां की है मैंने अपनी जिंदगी में। जब से मैं सच्चाई के रास्ते पर चला हूं, मैंने रिश्तों की अहमियत को समझा है। जानता हूं कितना दुख होता है जब रिश्ते टूटते हैं, इसलिए कह रहा हूं भैया सविता भाभी से अपना रिश्ता मत तोड़िए। बकवास बनकर, मैं फैसला कर चुका हूं और अब मेरा यह फैसला कोई नहीं बदल सकता। नहीं भैया, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। रुद्र, खबरदार अगर एक शब्द और बोला कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरा हाथ उठ जाए। अरे बंद करो ये, बंद करो ये झगड़ा। जिंदा हूं अभी मैं, अभी भी इस परिवार में वही होगा जो मैं चाहूंगा। जो भी फैसला होगा सबके सामने होगा। तुम दोनों आओ मेरे साथ, आओ। माता आपकी जय हो, कमाल कर दिया, क्या आइडिया है आपका, आपकी जय हो। मुझे अपने शिकार से खेलने में बहुत मजा आता है, अभी इनका समय नहीं आया, मेरा भोजन बनने से पहले इन बेचारों को इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इन दोनों को मैं अपने पास रखूंगी, बेहद पास। देखो अब ये दोनों मेरी कैद में हैं, मेरा काम पूरा हो गया। धीरे धरो रक्ता माता, धीरे धीरे धरो, धीरे अभी तो आपके काम की शुरुआत हुई है। आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ, अभी तो हम दोनों को बदलना है उन दोनों में जिनको आपने कैद कर रखा है। कैसे बातें कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, विष्णु का यह निर्णय बिल्कुल सही है और इस निर्णय में मैं उसके साथ हूं। उसका दूसरी शादी करने का फैसला गलत नहीं है,
उसे पूरा अधिकार है अपने वंश को आगे बढ़ाने का, और मेरा भी यही फैसला है। इस फैसले में मैं पूरी तरह से विष्णु के साथ हूं। जो भी हुआ सो ठीक है, अभी मेहमान आने वाले हैं और हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे। लगता है वो लोग आ गए हैं। कुसुम जाओ उनका स्वागत करो। अरे नारायण जी, चुनकर हीरा लाया हूँ आपके बेटे विष्णु के लिए। बड़ी ही नेक सीधी सादी संस्कारी लड़की है। सपना है इसका नाम। कितना सुंदर नाम है, सपना। सपना बेटे, तुम्हारे आने से मेरे बेटे के जीवन में एक नया रंग आ जाएगा। बेटा दुर्गा, तुमने नई आंटी को नमस्ते किया? नमस्ते करो बेटा।
किया? बेटा नमस्ते करो नई आंटी को। ये क्या बात हुई दुर्गा बेटे, नमस्ते करो ना नई वाली आंटी को। कोई बात नहीं बाबूजी, बच्ची है। लगता है आज दुर्गा का बात करने का मन नहीं है। देखा बाबूजी, कितनी समझदार लगती है, बच्चों की बातें भी समझती है। बेटा सपना, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं आए? मैं क्या बताएं हरिनारायण जी, सपना की दादी बीमार होगी, अचानक दोनों को गांव जाना पड़ गया। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं सपना का मामा जैसा हूं। मैं आ गया तो समझिए सब आ गए। वैसे सपना के माँ बाप इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। अगर आपकी इजाजत हो दोनों हमारे बच्चे आपस में बातचीत करके जान पहचान कर ले, ताकि ये फैसला ले सके कि दोनों एक दूसरे को जीवन साथी चुनना चाहते हैं या नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने शर्मा जी। विष्णु बेटा जी, बेटा सपना बिटिया को ले जाकर अपना घर दिखाओ। जी 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 जी, आइए। अच्छा बताओ ना, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? किस तरह का भोजन पसंद है तुम्हें? आइडिया। अच्छा मैं बताता हूँ सपना मुझे खाने में क्या पसंद है। अच्छा मैं बताता हूँ कि मुझे किस किस्म का खाना अच्छा लगता है। जैसे ताजे स्ट्रॉबेरी जो बिल्कुल तुम्हारे इन लाल लाल गालू की तरह होती है। जैसे ताजी स्ट्रॉबेरीज जो बिल्कुल तुम्हारे इन लाल लाल गालों की तरह होती है। कितने लाल है तुम्हारे गाल? कितने लाल है तुम्हारे गाल? और मुझे पसंद है चेरी। और मुझे पसंद है चेरीज। तुम्हारे होंठ कितने सुंदर है? तुम्हारे होंठ कितने सुंदर हैं? जैसे चेरी का फल। बिल्कुल जैसे रसीले चेरी का फल। इसको क्या हुआ? ये कैसी बातें करने लगा? ये देखो तुम्हारे हथेली कितनी सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे इसमें ताजी मिठाई का स्वाद है। ये मुझे देखकर ऐसी खाने वाली चीजों की बातें क्यों कर रहा है? इसकी बातों से तो मेरी भूख जाग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। ये मुझे खुद को खाने का लालच दे रहा है, इसकी गर्दन तो मुझे ललचा रही है। मेरी भूख अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। लगता है मुझे इसी पल इसकी गर्दन में वार कर अपना भोजन बनाना होगा।
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वहां कुछ गलत होने वाला है? जाओ, मेरे आने का इंतजार करो। जी मामा जी। और सपना, जब आप यहां, सपना कहाँ है? सपना तो हॉल में है, मैं तो आपको बुलाने आया हूँ। लेकिन लेकिन वो तो यहाँ थी। विष्णु जी, अभी से सपना के सपने में खो गए? होता है, ऐसी होता है। फिलहाल आपको नीचे बुलाया है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए, सोचिए मत। चलिए शर्मा जी। ले लो शील कुमार, लंबी चैन की सांस, क्योंकि अभी तो तुम्हारा राज खुलने से बच गया, लेकिन अब आगे क्या होगा इसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। अच्छा हरि नारायण जी, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अंकल, देख कर नहीं चलते आप? शर्मा जी, चोट तो नहीं लगी ना? सब ठीक है ना शर्मा जी? नहीं नहीं, सब ठीक है, ओके। पर ना, मैं चलता हूं। मैंने उस रक्ता को पहुंचा दिया है वहां जहां उसे होना चाहिए। आइए, प्लीज कम। ये हमारा किचन है। दीदी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। अब मैं आ गई हूँ, सारा काम कर लूंगी। आप जाके आराम कीजिए, मैं संभाल लेती हूँ।
सविता सुना नहीं तुमने सपना ने क्या कहा? चलो जाओ यहां से, सपना सबको संभाल लेगी। मैंने कहा जाओ यहां से। सविता भाभी के दुख को कम करो, इस घर को टूटने से बचाओ मां। आपके होते ये सब कैसे हो रहा है? रक्षा करो मां, रक्षा करो इस घर की। चिंता मत करो साक्षी, मैं हूं यहां। तो आज क्या बना रही हो सबके लिए? बिरयानी। वाह बिरयानी, चलो इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। दो। अरे नहीं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे भाई अपनी होने वाली पत्नी के काम में हाथ बटा रहा हूँ और क्या। चलो लेट मी हेल्प यू। बिरयानी बनी है, लेकिन आप देखो कैसे बिरयानी बबल बिरयानी बनती है। जय हो माता रानी। माता की जय हो। ये किसकी आवाज है? जय हो माता रानी। माता की जय हो। माता की जय हो। जय हो माता रानी। हनुमान तुम यहाँ? मैं यहाँ आपकी सहायता करने आया हूँ। हे माते मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। हनुमान तुम यहाँ कैसे आए? आप अपने भक्तों को बचाने के लिए यहाँ आई हैं और अपनी बाल लीला दिखा रही हैं। तो मेरा भी यह परम कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी मदद करूँ। तो मैं भी इस लोक में चला आया और इसी बहाने आपके दर्शन भी हो गए। परंतु माता एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, शक्ति का परम रूप हैं। माते आप इस दुष्ट शील कुमार को बार बार क्षमा क्यों कर रही हैं? ये आपकी क्षमा के लायक नहीं है। आप मुझे अनुमति दे दीजिए।
मैं अभी इसका विनाश कर देता हूँ। इसकी पापी दुनिया को जलाकर राख कर देता हूँ। नहीं हनुमान, रोध मत करो, तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये शील कुमार दुष्ट है, इसलिए इसका भी अंत होगा। सही समय आने पर इसे अपने पापों का फल अवश्य मिलेगा। तुम यहाँ मेरी मदद के लिए आए, अच्छी बात है, परंतु याद रहे कोई भी काम जल्दबाजी से मत करना, समझा हनुमान? जैसी आपकी आज्ञा माते। मैं यहाँ बाल रूप में आया हूँ तो मुझे भी थोड़ा आनंद लेना चाहिए, इन दुष्टों को सबक सिखा के। ये देखिए माते, अब मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ सपना? सपना तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ बताओ? बहुत ज्यादा लगी। जय माता दी। नई ताजी खबर क्या है जीजा जी, हम भी तो सुने। अरे भाई तुम कहां गए हुए थे उत्तम? घर पे मेहमान आए हुए हैं। मेहमान कौन आया था? मैंने तो देखा नहीं। शर्मा जी, वो जो शादी कराते हैं वो। अच्छा, शादी वाले शर्मा जी, और उनके साथ एक लड़की भी आई हुई है, वही लड़की जिसकी हम अपने विष्णु के साथ बात चलाने वाले थे। तो क्या फैसला किया आप लोगों ने? लड़की तो बड़ी सुशील है, बड़ी सुंदर है, और अपने विष्णु को अच्छी भी लगी है, और वो लड़की भी यही रुकी हुई है, अभी मिलवाता हूं उससे। बैठो, आ। हाँ हाँ हाँ, अरे विनोद वाले अंकल, अरे आपके पाँव में चोट कैसे लगी? मेरे कान में तो आपको टक्कर मारी ही नहीं, लेकिन कैसे अंकल? वो किसी चीज से आपको टक्कर लग गया क्या? बस एक कार का टायर ही लग गया था, उसी का दाग है, वो पंचर हो गया अचानक से, मैं बगल में खड़ा था तो लग गया। तुझे बड़ी चिंता है मेरी आफत की पुड़िया, टक्कर तो अब तुझे लगने वाली है, जिसके बाद या तो तुम खत्म हो जाओगी या तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। और ये है सैलेड और रायता, ये भी सपना नहीं बनाया है। उत्तम, ये है हमारी होने वाली बहू सपना। और सपना बेटे, ये तुम्हारे मामा जी हैं। नमस्ते मामा जी। नमस्कार नमस्कार। वाह सुपर, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाती है सपना। देखना सपना की हाथ की बिरयानी खाकर आप सब अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। विष्णु जी जी, आप भी बैठ जाइए ना सबके साथ, मैं बिरयानी परोसती हूँ। जी अरे विष्णु,
ओ, तो वो ये तुम ही हनुमान? बेटा चोट तो नहीं आई? जी जी नहीं बाबूजी, पता नहीं किस पर मेरा पांव अटका और मैं गिर पड़ा, समझ में नहीं आया। अरे बेटा यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तेरा पांव उलझ जाए। भूख बहुत जोर की लगी, बैठो और खाना खाते हैं। जी जी बाबूजी। दुर्गा बेटा, टेबल के नीचे क्या कर रहे हो बेटा? मेरी टॉय कार शायद टेबल के नीचे चली गई है। तुमने उन्हें क्यों गिराया? माते, मैं विष्णु भैया की बंद आके खोलना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें गिराया। अरे क्या हुआ दुर्गा बेटा, टॉय कार नहीं मिली तुम्हारी? नहीं बाबूजी, यहाँ नीचे नहीं है। पहले खाना खा लूं, फिर ढूंढती हूँ। ठीक है बेटा। बेटा ये बिरयानी है। बिरयानी? बबल वाली बिरयानी। अरे भाई सब लोग खाना शुरू करो, मालूम तो पड़े कि सपना बिटिया ने कैसी बनाई है बिरयानी। मामा जी ये लीजिए पानी। पहले ही पड़ाव में, पहले ही इम्तिहान में, पहले ही कदम पे लड़खड़ा के गिर गई तुम। रखता घरवालों का दिल जीतने के लिए कहा था मैंने, तमाशा बना के रख दिया। बचकर खेलना, आगे ना सांप है, अब चार कांग मत लाना वरना सांप आपको डस लेगा। जल्दी जल्दी जल्दी